तो दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देखा होगा। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर अपना एक नया डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए दो प्लान है इनके, एक ट्रेड फ्री प्लान है, ट्रेड फ्री यूथ प्लान है। दोनों ने धमाका मचा के रख दिया क्योंकि ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो लग रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अकाउंट खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है आप एक नया अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोटक नियो के अंदर नया अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है कोटक नियो का। आप लोग यहां पे जाएंगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर एंड अपना नेम डालना होता है यहां पे। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर यहां पे एक ओटीपी आएगा, तो आप लोग ओटीपी डाल के यहां पे एंटर करेंगे। कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप आगे यहां पे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे आप लोगों से पूछा जाता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप एक बिगिनर हैं यानी कि आपका एक्सपीरियंस 0 से 2 साल का है तो आप बिगिनर पे क्लिक करिए। आप कैजुअल ट्रेडर है या फिर एक्सपर्ट ट्रेडर है, जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को समझते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाइए। मैं यहाँ पे बिगिनर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ, आप लोग जो भी कैटेगरी में आते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और डिटेल भरना होता है, हम सारा डिटेल ही यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है, पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। तो पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब कुछ और डिटेल्स हमको यहाँ पे डालनी होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रोसीड टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन विद आधार। तो आधार कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई कर, आधार कार्ड से जो है हमको अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी होती है, तो हमको बस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अगले पेज पे डालना होता है यहाँ पे। और अगले पेज पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आता है, वो हमको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है डाल दिया है आधार कार्ड नंबर और कैप्चा भर दिया है। इसके बाद अब वेट करता हूँ, जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारा आ चुका है यहाँ पे, तो मैं ओटीपी जल्दी से यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के सामने ही। और अब चलिए यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया है, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ सबसे पहले एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी और भी कुछ डिटेल भरनी होती है दोस्तों, मैं आपको सारा ही कुछ बताऊँगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने ओटीपी डाला यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे पिन पूछ रहा है, ठीक है। मेरी पहचान साइट पे यहाँ पे आप देखेंगे डिजी लॉकर की साइट पे, तो यहाँ पे पिन पूछेगा। मोस्टली आप लोगों को याद नहीं होगा, तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो अपना पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को याद है, मैंने डाल दिया फॉरगॉट पे क्लिक करके बहुत ईजिली यहाँ पे अपना एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डिजी लॉकर के साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपके पहले से है यहाँ पे वो यहाँ पे दिखाई देगा। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले रहा है डिजी लॉकर के साथ ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो डिटेल है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है, परमिशन को यहाँ पे इनको ग्रांट कर देना है एंड आगे बढ़ जाना है। आगे कुछ और डिटेल हमको डालनी होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अपना पिन रीसेट कर लेंगे, बहुत ईजी होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम आ जाएगा पैन कार्ड से, बस आपको अपना फादर का नेम डालना होता है यहाँ पे, फादर का नेम नहीं आता है। और बाकी आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, आपकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जो डिटेल यहाँ पे आपकी नहीं रहती है वो आपको फिल कर देना होता है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली फादर का नेम मिस रहता है और बाकी कुछ और डिटेल रहती है मिस, वो डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपको अपना नॉमिनी अभी ऐड करना है या नहीं। नॉमिनी किस लिए ऐड करते हैं, जैसे आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आपके बाद आपके शेयर्स और आपके पैसे जो डीमैट में हैं वो किसे मिलेंगे, इसीलिए ऐड किया जाता है। आप आई डोंट वॉन्ट टू ऐड ए नॉमिनी पे क्लिक करके जो है अभी नॉमिनी को स्किप कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड ए नॉमिनी पे क्लिक करके आप नॉमिनी को अभी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप अभी करना चाहते हैं या फिर डीमैट अकाउंट खुलने के बाद करना चाहते हैं, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आगे कुछ और डिटेल हमको डालनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आगे जो आपके मोबाइल फ़ोन में ईमेल्स है, कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल फ़ोन में आपके ईमेल्स रहेंगे ये इसको ट्रेस कर लेगा और उनमें से कोई एक ईमेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो भी मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर ईमेल्स हैं उनमें से देखिए सारे मेल यहाँ पे आ चुके हैं, किसी एक मेल को यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना होगा एंड कंटिन्यू पे करना होगा क्लिक, तो वो मेल हमारा जो है हमारे अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। बहुत ही ईजी होता है, जो भी हमारा अकाउंट पहले से है यहाँ पे ईमेल है उसी को यहाँ पे डालना होता है।
इसके बाद आप लोगों को कुछ डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका मैरिटेरियल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है, डाल दीजिए। इसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन आपका पूछा जाता है, पेशा पूछा जाता है, क्या काम करते हैं, बिजनेस है, काम करते हैं प्रोफेशनल है, कोई हाउसवाइफ है, जो भी आप काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आगे बढ़ चलिए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ चलता हूँ। कुछ और डिटेल डालनी होती है, जैसे कि फैमिली की या जो है हमारी ईयरली इनकम कितनी है। तो जिस भी फ्लैप में आप आते हैं, 25 लाख से कम, 50 लाख से कम, जिसमें भी आप फ्लैप में आते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका बैंक किस अकाउंट, किस बैंक के साथ है आपका लिंक, आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, तो आपको वो सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक आते हैं, आप यहाँ पे मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। तो जो भी बैंक आपके पास है वो उस पर क्लिक करिए, आगे बढ़ चलिए, या फिर आप मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है, उस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अकाउंट नंबर डालना होता है एक बार, फिर दूसरी बार डाल के कन्फर्म करना होता है एंड आगे बढ़ चलना होता है। 1 रुपया लोग डालते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो चलिए आपके आंखों के सामने यहाँ पे आधार कार्ड अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म करते हैं यहाँ पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मोस्टली हमेशा यही होता है कि 1 रुपया आप ये लोग डाल देते हैं कन्फर्मेशन के लिए, कई बार ऐसा नहीं होता है फिर भी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने होते हैं हमारे अकाउंट ओपनिंग के लिए, जैसे कि हमको अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होता है। देख सकते हैं कैप्चर है सेल्फी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपनी सेल्फी हमको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी सेल्फी अपलोड कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। ठीक है, तो सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप पहले से एक वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर लीजिएगा, उस पर अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए, अगर आपको F&O सेगमेंट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो F&O सेगमेंट के ऊपर छूइएगा, इसको छेड़िएगा, वरना इसको मत छेड़िएगा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है F&O सेगमेंट में तो इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो तीसरे वाले को अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं अपने फटाफट दोनों जो ऊपर वाले हमारे हैं सिग्नेचर फोटो है वो अपलोड कर देता हूँ। मैं अभी F&O सेगमेंट एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको रहने देता हूँ, बस मेरे को नीचे जाके कंटिन्यू क्लिक करना होता है। ठीक है, तो F&O सेगमेंट जिसको एक्टिवेट करना होगा भाई साहब वो अपना यहाँ पे कर लेगा। 6 मंथ का स्टेटमेंट लगता है बैंक का, या फिर ITR का नंबर लगता है, ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो अपलोड करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन से स्लैब के अंदर हम यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेड फ्री यूथ के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जो अकाउंट हम खोल रहे हैं उसकी उम्र जो है 30 साल से कम है। तो 299 रुपये हमारा लगेगा यहाँ अकाउंट ओपनिंग का, और इसमें जो है 0 ब्रोकरेज लगता है हमारा ऑल टाइप इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर। तो जो है यहाँ पे हम इसी को ओपन करेंगे। 299 रुपये जो लग रहे हैं वो ट्रेड फ्री यूथ प्लान के लिए लग रहे हैं, इसमें जो है हमारा जो है ब्रोकरेज फ्री रहेगा, क्योंकि हमारी उम्र जो है जो अकाउंट हम खोल रहे हैं वो 30 साल के नीचे है। अगर आपका 30 साल के ऊपर रहेगा तो ट्रेड फ्री प्लान आपके लिए रहेगा, तो वहाँ पे आपका अलग चार्ज लगता है। तो यहाँ पे जो पेमेंट है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पेमेंट UPI के माध्यम से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। UPI ID डाल के यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे। मैंने पेटीएम का यहाँ पे डिटेल डाला है, तो पेटीएम पे देखिए मेरे पेमेंट का लिंक भी आ गया, तो फटाफट अपना पेमेंट यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं। तो पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है अप्रूव, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। 299 रुपये का पेमेंट मैंने कर दिया, क्योंकि ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर हमारा ये अकाउंट ओपन हो रहा है। तो वापस से अपने पेज पे चलेंगे और हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो के दिखाएगा अभी। एंड इसके बाद कुछ छोटी भी डिटेल और डालनी होती है, जिसके बाद हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है ओपन होने के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो पेमेंट तो हमने यहाँ पे कर दिया है, बाकी सब डिटेल भी हमने डाल दी है। तो यहाँ देखिए डिजिटली हमको जो है अपना फॉर्म जो है यहाँ पे साइन करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्लिक करके। तो हमारा फॉर्म रेडी हो गया है, हमको प्रॉफिट टू आधार ई साइन पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड की मदद से हम यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर डिजिटली साइन कर सकते हैं, ई साइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, NFDL की साइट पे हम जाएंगे सीधे। NFDL की साइट पे जाने के बाद क्या होगा, हमारा आपको फिर से आधार कार्ड का नंबर डालना होगा एंड OTP आएगा आधार कार्ड से जो लिंक नंबर रहेगा, और उसके बाद जो है हमारा अकाउंट जो है यहाँ सबमिट हो जाएगा ओपन होने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे लगभग जो है 1 से 2 दिनों का टाइम लगता है यहाँ पे, और 1 से 2 दिनों के अंदर जो है आपका अकाउंट ओपन होकर आपको मिल जाता है, और आपको यहाँ पे ईमेल और मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है कि भाई साहब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। कोई दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, तो वो भी आप लोगों को मेल के थ्रू बता दिया जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद आप लोग जो है कोटक सिक्योरिटी का एप्लीकेशन या कोटक नियो का डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें अपना लॉगिन वगैरह करके आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वीडियो पहले से बना के रखा है। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू।